रुजगार देने दे वड़े वड़े दावे करने वाली भगवंत मान सरकार दे मूंह दे उत्ते एक अबला ने अज कलंक लाता है, बहुत वड़ा कलंक। और कलंक उस पंजाब दी धी ने इस करके लाया है कि उदी जिंदगी तबाह करके रखती भगवंत मान दी सरकार ने, ते खास करके सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने। नियुक्ति पत्र तक मिल गए पर उन्होंने स्टेशन तक दे के उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। लंबे समय तो संघर्ष कर रहे ने, मंत्री दे घर दे सामने हरजोत बैंस दे धरने दे रहे ने, पर कन्न ते जू नहीं सरकी। ते रोज कहिंदे कि असीं रुजगार देता, पता नहीं किन्हां नूं देता। तुहानूं इस धी दा ते दर्द ना पता लगा जिहड़ी खुद ते लेखे लागी गई तुहाडे तुहाडे सिर चढ़ के आत्म हत्या कर गई, ते तुहाडे करके दित्तियां परेशानियां करके उहदे दो बच्चे भी जन्म लैण तों पहलां ही, इस धरती ते आउण तों पहलां ही मौत नूं प्यारे हो गए, उहदे भी जिम्मेवार हरजोत बैंस तुसीं जी। और हुण दुख इस गल दा है कि हरजोत बैंस दे विरुद्ध हुण तक फर्ज बनता सी कि उहनूं कैबिनेट विच्चों कढ़िया जांदा, उहदे विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जांदा, उहदी गिरफ्तारी की जाती, तो हुण होर ही कहानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। इस केस नूं होर पासे बदलने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी वड्डी बेइंसाफी हुई है। समूह पंजाबियों नूं इस बेइंसाफी के विरुद्ध तो उस अवला धी है जिहड़ी पंजाब दी उहदे हक विच आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो उन्हें क्या है अपने सुसाइड नोट के आत्महत्या वाले नोट के कि मेरी मौत का तो मेरे बच्चों की मौत का दोषी केवल तो केवल हरजोत बैंस है। इस करके जिहड़ा आ हरजोत बैंस के विरुद्ध जिहड़ी आ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी कल्ले दी नहीं, मैं राजनीतिक विरोधी होने करके नहीं, ये रूह तो आवाज है और समूह पंजाबियों की आवाज है कि हरजोत बैंस जिन्हें एडा वड्डा गुनाह किया वो बचना नहीं चाहिए।